डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के PMCMD किट के कुछ MCQs। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, एक PMCQs मिस मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट। MCQs नंबर 1 है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मोलस्क इज, मोलस्क में कौन सी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है हेमोसैनिन, हेमोसैनिन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीजन ट्यूब्यूल्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मल्टीजन ट्यूब्यूल जो है हमें पता है कि कॉकरोच की करेक्टरिस्टिक्स हैं। मल्टीजन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कॉकरोच में पाई जाती हैं। तीसरा MCQ है, गट ऑफ ए सीलोमेट डेवलप फ्रॉम, जो ए सीलोमेट्स होते हैं विदाउट सीलोम मीन्स विदाउट कैविटी, तो उनकी जो गट होती है वो किससे डेवलप होती है? उनकी जो गट है वो एंडोडर्म से डेवलप होती है। क्वेश्चन 3 MCQs जो है उसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एंडोडर्म, एंडोडर्म से ए सीलोमेट की गट जो है वो डेवलप करती है। 4 नंबर MCQs है, द सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम डैश फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, किसी भी एनिमल की जो सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो क्या लेगा एनवायरमेंट से कि वो सर्वाइवल कर पाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है केमिकल्स, केमिकल्स में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक आयंस दोनों आ जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर, केमिकल्स। तो जब एनिमल केमिकल्स जो है एनवायरमेंट से लेगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा। 5 नंबर MCQs है, क्लास एज हैज एडवांस्ड डैश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेरिबिलम, सेरिबिलम जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस, और जो एज है क्लास वो बर्ड्स से रिलेट करती है, तो बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हैं सेरिबिलम की वजह से, क्योंकि वो उनके उनको मेंटेन करता है, उन्हें बैलेंस मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, और बर्ड्स को जो है सेरिबिलम की वजह से याद होता है कि उन्हें अपने नेस्ट तक वापसी जाना है। 6 नंबर MCQs है, स्पर्म्स लीज्ड इन वाटर आर कैरीड टू मेसेनकाइम इन स्पंजीज, स्पंजीज में जो स्पर्म्स लीज होते हैं वाटर में वो मेसेनकाइम तक पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां तक कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है एमोबॉइड सेल, एमोबॉइड सेल जो है वो स्पर्म को जो कि वाटर में रिलीज होता है मेसेनकाइम तक पहुंचाता है स्पंजीज में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, तो ऑप्शंस हैं यूथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेन डिफरेंस बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा लाइज इन, जो मेन डिफरेंस होता है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में वो जो है मेन डिफरेंस क्या है? नर्वस सिस्टम, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इनमें से कौन से एनिमल्स में से उनकी कैरेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म? तो इसका जो राइट ऑप्शन है नाइटेरिया, नाइटेरिया जो है वो एनिमल्स का ग्रुप है जिनकी पॉलीमॉर्फिज्म जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एनिमल इन विच सीलोम इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, वो एनिमल जिनके मेसोडर्म टूटने से सीलोम बनता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है शिज़ोसीलस, शिज़ोसीलस, सी नंबर ऑप्शन जो है क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन है। और जो एंट्रोसीलस है उसका मतलब है अगर एंडोडर्म के स्प्लिट होने से सीलोम बने तो एंट्रोसीलस होगा, मगर यहाँ पे
मेसोडर्म के स्प्लिट होने से सीलोम बनता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है शिज़ोसीलस होगा। क्वेश्चन 11 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज द फॉर्म ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट डेडिकेट एंड डैमेज कैन किल बैक्टीरियल सेल इमीडिएटली। कौन सा पार्ट है बैक्टीरिया का जो कि जल्दी मर सकता है, डैमेज हो सकता है? तो वो जो है सेल मेम्ब्रेन है। साइनोबैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, साइनोबैक्टीरिया मूव बाय डैश। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो गैस फिजिकल्स एंड ग्लाइडिंग मोटिलिटी, बोथ आंसर्स जो है बोथ ए एंड सी दोनों करेक्ट हैं। गैस फिजिकल्स और ग्लाइडिंग मोटिलिटी दोनों की वजह से साइनोबैक्टीरिया जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैक्टीरिया डेट लिव इन ह्यूमस आर। ह्यूमस में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई कोली इज अ डैश। ई कोली जो है वो फैकल्टेटिव भी होता है, एनएरोबिक भी होता है, ग्राम नेगेटिव भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जो है वो उसमें है, डिवीजन ऑफ कॉक्साई इन थ्री प्लांट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। कॉक्साई की थ्री प्लांट्स में जो डिवीजन होती है तो क्या बनता है, कौन सा शेप बनता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, सासीना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें पूछा जा रहा है कि स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं। स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया इज वाइब्रियो। वाइब्रियो जो है वो स्पायरल शेप्ड होते हैं। और डी नंबर ऑप्शन में बेसिलस जो है, बेसिलस मींस रॉड शेप्ड। तो यहाँ पे स्पायरल शेप पूछा गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है जो कि वाइब्रियो है। क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ वायरसेस इज यूजुअली मेजर्ड इन। तो इसका हमें पता है कि नैनोमीटर्स में वायरसेस की साइज़ को हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वायरुला वायरस काजेस डैश। वायरुला जो वायरस है वो क्या काज करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरुला वायरस की वजह से काज होता है, वायरुला वायरस की वजह से काज होता है क्या? स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन 19 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ, हेपेटाइटिस डी इज कॉज्ड बाय डैश। हेपेटाइटिस डी जो है वो किससे काज होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वायरॉइड। वायरॉइड जो है वो हेपेटाइटिस डी काज करते हैं। क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन बी नंबर है, वायरॉइड। हेपेटाइटिस डी इज कॉज्ड बाय वायरॉइड। अभी से याद कर लें, अभी से लिख लें, रट लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेन ओनली DNA विच इज डैश। बैक्टीरियल प्लाज्मिड में वो DNA होता है जिसमें क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, सर्कुलर DNA जो होता है इसमें होता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, क्वेश्चन 21 का जो आंसर ए है, सर्कुलर, और DS का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है उसमें वो DNA होता है, सिर्फ वही DNA होता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में, वो कौन सा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, कोर ऑफ HIV कंटेंट। HIV के कोर में क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, बी नंबर ऑप्शन है DNA, सी नंबर है RNA। तो HIV जो है एक वायरस है, तो उसके कोर में क्या शामिल होता है? प्रोटीन एंड RNA। तो बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोर ऑफ HIV में क्या शामिल होता है? प्रोटीन एंड RNA। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उस पर पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इन इट इज कॉल्ड।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हमें पता है उनको जो है प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है, द लार्वा ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स रिजेंबल दोज ऑफ कॉर्डेट्स? इनमें से कौन से एनिमल्स का लार्वा जो है वो कॉर्डेट्स को रिजेंबल करता है? केटफिश का जो लार्वा है इन एनिमल्स में से जो केटफिश है उसका जो लार्वा है वो रिजेंबल करता है कॉर्डेट्स से। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है, लेक ऑफ सेमेट्री इज आइडेंटिफाइड इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? कौन से एनिमल्स के ग्रुप में जो है सेमेट्री कम होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, पेराजोआ। पेराजोआ वो एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें सेमेट्री जो है कम होती है आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमिलिया? इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टर नहीं है किंगडम एनिमिलिया का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर, ऑल एनिमल्स डेवलप फ्रॉम द डिसिमिलर विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया? इनमें से कौन सा जो है किंगडम एनिमिलिया का कैरेक्टर नहीं है? तो ऑप्शन ए है, ऑल एनिमल्स आर इनजस्टिफेटोट्रॉप। बी नंबर ऑप्शन है, ऑल एनिमल्स आर यूकेरियोट्स। सी नंबर ऑप्शन है, इट इज़ लार्जेस्ट किंगडम। डी नंबर ऑप्शन जो है वो है, ऑल एनिमल्स डेवलप फ्रॉम डिसिमिलर गैमेट्स। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है कि ऑल एनिमल्स जो सभी एनिमल्स है वो डेवलप करते हैं डिसिमिलर गैमेट्स से, तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है किंगडम एनिमिलिया के अबाउट। बाकी जो ऊपर वाली तीन स्टेटमेंट्स हैं कि ऑल एनिमल्स आर इनजस्टिफेटोट्रॉप, ये भी सही है, ऑल एनिमल्स आर यूकेरियोट्स, ये भी सही है, और ये जो है लार्जेस्ट किंगडम है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन मीन्स कि ऑल एनिमल्स डेवलप फ्रॉम द डिसिमिलर गैमेट्स, यही ऑप्शन जो है 26 का करेक्ट है। 27 जो क्वेश्चन है वो है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेडियल सिमेट्री हमें मिलती है? ऑप्शन है ए है सिलेंट्रेटा एंड प्लेटी एलिमेंट्स। बी नंबर ऑप्शन है, पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा। सी नंबर ऑप्शन है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। डी नंबर ऑप्शन है, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है कि रेडियल सिमेट्री हमें जो है सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा में मिलती है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये वो ऑर्गेनिज्म्स हैं सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, वो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनमें हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द नेम एनिमल इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट वर्ड? तो ये जो नेम है एनिमल, ये जो है ड्राइव किया गया है कौन से वर्ड से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनिमा। एनिमा इज द वर्ड फ्रॉम विच एनिमल इज ड्राइव्ड। सो इस एमसीक्यूज को पक्का रट लें, याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। द नेम एनिमल इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट वर्ड, वो जो वर्ड है कि जिससे एनिमल ड्राइव हुआ है वर्ड, तो ये जो है एनिमा। एनिमा इज अ वर्ड फॉर एनिमल फ्रॉम विच एनिमल इज ड्राइव्ड। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लेटी एलिमेंट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में शामिल है? तो हमें पता है, हमने ये एमसीक्यूज भी पढ़ा हुआ है बुक में से, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये एमसीक्यूज कि फ्लेम सेल जो है वो प्लेटी एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं फ्लेम सेल्स प्लेटी एलिमेंट्स में। फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं फ्लेम सेल को हम। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज नॉट अ ड्यूट्रोस्टॉम? कौन सा ग्रुप जो है एनिमल्स का वो ड्यूट्रोस्टॉम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसे हम छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है, पिनवॉर्म इज अ कॉमन यूज फॉर विच इज द फॉलोइंग? कह रहा है कि पिनवॉर्म जो है वो कॉमन यूज होता है इनमें से कौन से के लिए? तो हमें जो राइट ऑप्शन है इसका पता है डी नंबर, एंटेरोबियास
वर्मिक्यूलरिस जो है ये पिनवॉर्म जो है कॉमन इनके लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन जो है डी नंबर करेक्ट है, एंटेरोबियास वर्मिक्यूलरिस। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, और भी आगे एमसीक्यूज़ हैं जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। तो अल्लाह हाफिज़, अगले वीडियो में मिलते हैं।